इकरारुल हसन से आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई? ERY के स्टूडियो में हुई थी, हम साथ में खबरें पढ़ते थे। ये भी बड़ी क्रिटिसिज्म का एक सामना रहता है कि भाई इसने दौलत और शोहरत की वजह से ही शादी की है। ये मुझे भी सुनना पड़ा। मैं खाना सामने रखती थी और मैं आंसुओं से रोया करती थी। सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है 15 करोड़ के घर का। इसी घर की बात हो रही है, शायद इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो। अच्छा फरा, शादी कब हुई आपकी? 2008 में आपने ये मीडिया ज्वाइन किया, और आपकी शादी किस साल में? मेरी शादी हुई थी 2012 में। सही। अच्छा तो इकरारुल हसन से आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई? ERY के स्टूडियो में हुई थी। हम साथ में खबरें पढ़ते थे, जैसे आप और मैं बैठे हुए वैसी डेस्क पे हम खबरें पढ़ा करते थे। अच्छा ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि इकरारुल हसन जो है उन्होंने न्यूज एंकरिंग से अपना करियर स्टार्ट किया। बिल्कुल, इकरार मेरे सीनियर हैं। अगर हम इसके करियर के लिहाज से देखें तो वो ERY में शायद 2006 से काम कर रहे थे, और 2010 में मैंने उनके साथ काम किया। लोग अब जिस इकरार को जानते हैं, जब मेरी इकरार से मुलाकात हुई तो वो न्यूज़ एंकर थे। हम लोग बस खबरें पढ़ा करते थे और इतनी शोहरत नहीं थी। और फिर 2010 में हमारी मुलाकात हुई थी, 12 में शादी हो गई। और फिर वो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एक आती है या लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, वो इसी वजह से कि अगर इकरार आज भी न्यूज़ एंकर होती तो कोई बॉदर ही नहीं करता। वो शोहरत के साथ एक पैकेज मिला है इस तरह की चीज़ों का। वो उनकी शोहरत की वजह से ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो गई। तो आपको लगता है कि इसका ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा हुआ, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हुआ? शुरू में बड़ा, जब लोगों 2018 की बात है, जब लोगों को ये लगा कि इनकी शादी हुई है, लोगों को लगा नई नई शादी हुई है, तो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा भला कहा। अच्छा 2018 में ये चीज़ ज़्यादा लाइमलाइट पर आई? जी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, मैंने बताया कि इकरार न्यूज़ पढ़ते थे, उनको एक टास्क मिला था ERY स्पेशल के नाम से, कि कोई स्लॉट फिल करनी थी कि अच्छा जाएँ और ये प्रोग्राम करके आ जाएँ। काफ़ी महीने वही चलता रहा, और मेरे ख्याल में मेरी शादी के आसपास कहीं या सरेआम शुरू होने वाला था या हुआ था, तो वो बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत शोहरत दी और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि वहाँ दूसरी शादी को एक्सेप्ट करना जो है वो एक तरह टैबू की तरह है, लोग जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। तो आपकी फैमिली जो थी वो सपोर्टिव थी, जल्दी मान गए या फिर आपको मनाना पड़ा? उनको कन्विंस करना पड़ा। और दूसरा जो आपने बात की ना टैबू वाली, वो मर्द की दूसरी शादी को नहीं टैबू बनाएंगे। जिस लड़की ने शादी की है शादीशुदा मर्द से, उसको बहुत बुरा भला कहेंगे और उसको एक कंट्रोवर्सी बना के पेश कर देंगे। और वो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी ये बदलने वाला नहीं है। और जो भी खातून शादी करेगी ऐसे शख्स से जिसकी पहले बेगम हो, जो शादीशुदा हो, तो उसको बहुत कुछ कहा जाएगा। अच्छा कुरातुल ऐन जो है इकरारुल हसन की पहली बीवी, वो भी न्यूज़ एंकर रह चुकी हैं, आपकी कोलीग भी हैं, काम कर चुकी हैं आप उनके साथ। कुछ खबरनामे हमने साथ पढ़े थे, लेकिन बहुत ज्यादा काम करने का। तो शादी से पहले आप जानती थी उन्हें? जिस तरह से बिल्कुल जानती थी, हमारी बातचीत भी थी, मुलाकात भी थी, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा बातचीत और मुलाकात मेरी शादी के बाद से हुई। तो आपकी शादी के बाद मतलब वो इक्वेशन चेंज हो गई या नहीं हुई? नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि शायद वो बेहतर हुई, और अभी भी मुलाकात भी हो जाती है, बात भी हो जाती है। इकरारुल हसन के अगर काम की हम बात करें, जिस तरह से प्रोग्राम उन्होंने किया सरेआम, उससे बड़ी शोहरत भी मिली, लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुआ, लेकिन वो एक बड़ा मुश्किल प्रोग्राम था, बड़ा एक मुश्किल काम था। लाइक माफियाज के खिलाफ इस तरह से आवाज़ उठाना, और इस तरह से हर बुरे काम के लिए जो है वो आवाज़ उठाना इतने बोल्ड अंदाज में और इतनी बहादुरी के साथ, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि इसकी वजह से उन्हें कभी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, फैमिली को मुश्किलात हो सकती हैं? फैमिली को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा, खौफ का शिकार भी रहे, ये इनिशियल वक्तों की बातें हैं। फिर जब देखा कि इतने पैशन से एक शख्स काम कर रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाता, कुछ इसके दिल में जज्बा होता है तो ही वो इतने डीप तक चला जाता है। तो फिर दुआओं पे आ गए सारे फैमिली वाले। आप सोचे ना कि जो एक माँ है उसके दिल पर क्या गुजरती हुई, जो अपने बच्चे को खून में लथपथ या मार खाए हुए या इतनी मुश्किल हालात में देखती होगी। तो फिर सारी फैमिली ने, बेगमात ने, बच्चे ने, बाकी फैमिली बहन भाई, मेरे देवर देवरानी ने, सब ने सपोर्ट किया उनको। सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मचा हुआ है 15 करोड़ के घर का। ये क्या चक्कर है? आप तक भी पहुंच गया। सब जानते हैं, सब तक पहुंच गया। आपको पता है सोशल मीडिया पर एक चीज चलती है तो फिर वो फैल जाती है हर जगह पर। खरीद लिया आपने वाकई 15 करोड़ का घर यूट्यूब से? इसी घर की बात हो रही है जी, और इसी घर की बात हो रही है, शायद इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो, लेकिन ये घर है अख्तर भाई का। जब आप नीचे से ऊपर आई होंगी तो आपने देखा होगा नीचे एक पोर्शन है, वहाँ उनकी फैमिली रहती है, ऊपर वाला ये पोर्शन हमने रेंट आउट किया है।
और अल्लाह ताला उनको ये घर नसीब करे, उनके लिए अच्छा हो। मुझे ज़ाती तौर पर घर बनाने का शौक़ नहीं है, मैं अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ। एक घर बन रहा है, प्यार बना रहे हैं और वो यहाँ ही करीब इसी सोसाइटी में बन रहा है, काफ़ी सालों से बन रहा है, क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी बजरी, कभी सीमेंट, कभी कुछ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, इंशाल्लाह एक रोज़ बन जाएगा। अच्छा, तो दूसरी बीवी को ये भी बड़ी क्रिटिसिज्म का एक सामना रहता है कि भाई इसने दौलत और शोहरत की वजह से ही शादी की है। ये मुझे भी सुनना पड़ा, लेकिन अगर आप पीछे पूरा खंगाल के देखा आज आपने मेरा माजी भी, तो मैं बड़ी इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैंने बचपन से काम शुरू कर दिया था और मुझे ये सबसे मुश्किल काम लगता है कि मैं किसी से पैसे मांगूं। अभी जब मेरे पास कुछ कमी होती है, मुझे इकरार को कहना होता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा होता है। तो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बड़ा बिलीव करती हूँ। मेरे घर में तमाम लोग काम करते हैं, मेरी बहनें भी, मेरा भाई भी, और सब अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन उनका अपना है। तो ये वाला तो मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम है, क्योंकि इतने साल से जो एक खातून काम करती चली आ रही होगी, वो पैसों के लिए किसी से क्यों शादी करेगी। फरा, आपने तकरीबन हर बड़े न्यूज़ चैनल के साथ काम किया, प्रोग्राम होस्ट किया, और अब आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, तो इसकी क्या वजह, क्या एक ट्रेंड निकल पड़ा है यूट्यूब चैनल बनाने का, या फिर सबको लगता है कि इसमें पैसे बहुत हैं? लोगों को ये लगता है कि इसमें पैसे बहुत हैं। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, मुझे अब ठीक से साल याद नहीं, लेकिन उस वक्त मैं समा के साथ थी और मैं ट्रैवल की बहुत शौकीन हूँ, मुख्तलिफ़ जगह जाती हूँ, सैर करती हूँ, तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती थी। तो किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि अपना यूट्यूब चैनल बना लो और उस पर ट्रैवलॉग्स करना शुरू कर दो। मैंने कहा अच्छा आइडिया, आपकी मेमोरीज भी वहाँ रहती हैं। तो मैंने इस तरह से आगाज़ किया अपने YouTube चैनल का। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस पर रेवेन्यू जनरेशन भी होती है, मोनेटाइजेशन भी होती है, पैसे मिलते हैं। वो बाद में किसी ने बताया, मैंने कहा चलें एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, अगर चैनल चल पड़ा तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ इस नीयत से नहीं किया। अच्छा, थोड़ा पहले की तरफ चलते हैं, पीछे जाके देखते हैं, तो आपका मीडिया का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, मीडिया में आप किस तरह आई, आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से था, या फिर आपको शुरू से शौक था कि मैंने न्यूज़ एंकर बनना? फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, मेरी फैमिली में से कोई भी मीडिया में नहीं है, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर हैं, और मैंने छोटी थी जब से मैंने काम करना शुरू किया, मुझे बड़ा टेलीविज़न फैसिनेट करता था। जब मैं एक्टिंग करते लोगों को देखती थी, तो मैंने कहा एक्ट्रेस बनूंगी एक रोज़। लेकिन मेरी खाला जान, अब उनकी वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता था मेरी, वो उन्होंने मुझे पाला और मेरे लिए वालदा की हैसियत थी, उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैंने इस सोच को ख़त्म कर दिया। फिर PTV में मेरी एक दोस्त को जाना था ऑडिशन देने के लिए, उसने कहा कि साथ चलो, तो वहाँ एक एसोसिएट प्रोड्यूसर ने मुझे भी पेपर थमा दिया कि आप ये याद कर लें। मैंने कहा मैं ऑडिशन देने नहीं आई। उसने कहा नहीं, आप याद कर लें। अच्छा, मैंने पढ़ लिया, मुझे याद हो गया, कैमरे के सामने बैठी, उसको एज इट इज़ पढ़ दिया, फिर कुछ सवाल उन्होंने किए, उसके जवाब दे दिए, किसी से इंटरव्यू का कहा वो कर दिया। चूँकि मैं बचपन से डिबेटिंग सोसाइटी, ड्रामेटिक सोसाइटी बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रही इन चीज़ों में, तो नेक्स्ट डे कॉल आ गई कि आप सिलेक्टेड हैं, और मेरी दोस्त सिलेक्ट नहीं हुई थी। अच्छा, जिसके साथ आप ऑडिशन दे, और उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बताना चाहती हूँ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी सिलेक्शन हो गई थी, माफ़ कर देना मुझे। लाहौर से आप बिलोंग करती हैं? बिल्कुल, मैं यहीं पे पैदा हुई, स्कूलिंग मेरी मिक्स्ड है, मैं यहीं लाहौर में ही पैदा हुई, वादत कॉलोनी एक इलाका है, वहाँ पर मेरी मम्मी रहा करती थी। उसके बाद अर्ली स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई, फिर बीच में कभी हम अब्बा के पास चले जाते थे, कभी वापस आ जाते थे। फिर जो मेरी मैट्रिक की एजुकेशन है, जो डिग्री है और FA की डिग्री है, वो रावलपिंडी और FG बोर्ड की है, और फेडरल गवर्नमेंट बोर्ड जो होता है उधर की है। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर के लास्ट में मैं लाहौर आ गई, तो मेरी जो ग्रेजुएशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की, और फिर मास्टर्स मैंने बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, लाहौर से आप फिर ARY में काम करने के लिए वहाँ से ऑफ़र आई, तो कराची शिफ्ट हो गई, तो एक अकेली लड़की का लाहौर से फिर कराची जैसे बड़े शहर में जाके अकेले रहना, सर्वाइव करना, फिर नया वर्क प्लेस, नया माहौल, नए लोग, बिल्कुल, तो कितनी मुश्किलात का सामना वहाँ पे रहा? मैं जब लाहौर से कराची गई, तो एक तो बताया कि अम्मी जो थी वो कुछ इतनी विलिंग नहीं थी, मैं चली गई और 6 बहन भाई घर में बड़ी रौनक हुआ करती थी, घूमने भी साथ जा रहे हैं, खाना दस्तरखान पे साथ खा रहे हैं, छेड़खानी चल रही है, एक डिफरेंट माहौल होता था, वहाँ गई, मुझे बिल्कुल अकेले रहना पड़ा। लिटरली मैं खाना सामने रखती थी और मैं आंसुओं से रोया करती थी कि मैं कैसे खाना खाऊंगी, मुझे आदत नहीं थी अकेले खाना खाने की। अम्मी से कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो कहेंगी देखा मैंने कहा था कि तुम नहीं जाओ, अच्छा डिसीजन नहीं था।
तो फिर मैंने अपने आप को मज़ीद मजबूत किया, काम पे फोकस करना शुरू किया कि नहीं करना है। फिर फॉर्चुनेटली मेरे कुछ लाहौरी दोस्त वहाँ चले गए तो वो वाला माहौल मुझे वहाँ भी मिल गया। शुरू में मुझे हर चीज़ अजीब सी लग रही होती थी, अच्छा ये कैसे हैं, ये क्या हो रहा है, ये वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, टफ लग रहा होता था। फिर जब आप यहाँ से वहाँ जाते हो तो आपको एक कॉम्पिटिशन भी मिलता है और कहीं कहीं बायस्ड लोग भी मिलते हैं, उसको भी मैंने फेस किया, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं एडजस्ट हो गई। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।